हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद गौड़ा पर। फ्रेंड्स, मैक्सिमम कैंडिडेट का कमेंट्स ये आ रहा है कि एसएससी फेज रैंक सिलेक्शन पोस्ट का आंसर की कब आएगा। आपने बताया हुआ था कि 25 तारीख तक आ जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल मैं आप सभी को अपडेट नया अपडेट दे देता हूँ। आपको इस वीडियो में क्लियर पता चल जाएगा कि आंसर की किस दिन आ रहे हैं और रिजल्ट कब आएगा। दोनों डाउट आप सभी का इस वीडियो में आज भी क्लियर कर देता हूं मैं आप सभी का। इससे पहले रिक्वेस्ट आप सभी से कि भाई कोई उम्मीद के साथ ही आपके लिए वीडियो बनाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी से हेल्प और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है दोस्तों। तो चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल के बारे में बताइएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा, क्योंकि धीरे धीरे मैं आप सभी के प्यार और सपोर्ट से आगे बढ़ रहा हूँ और आगे चल के आप सभी को और ज़्यादा हेल्प करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। दोस्तों, मैं बता दूँ, एसएससी फेज नाइन सिलेक्शन पोस्ट का एग्जामिनेशन लगभग लगभग स्टेट में हो चुका है। 16 तारीख तक 3-4 स्टेट ऐसे थे जहाँ पे इलेक्शन की वजह से पोस्टपोन किया गया होता, बट वो सभी एग्जाम्स कवर कर लिए गए हैं। अब हम लोग का वेट था आंसर की को लेकर के, बट आंसर की किसी भी एग्जाम का एग्जाम होने के 7 से 8 दिनों के बाद आ जाता है, बट आज 8 दिन हो चुका है लगभग लगभग, और अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है कि आंसर की कब आएगा। और उम्मीद करता हूँ कि मुझे लग रहा है उम्मीद कि आज आंसर की आप सभी का आएगा भी नहीं, तो आंसर की कब आएगा। फिलहाल मैं आप सभी को दोस्तों बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि एसएससी जब भी आंसर की रिलीज करती है, एसएससी एमटीएस का आंसर की आया हुआ था पिछली बार, तो वो 10 से 11 दिनों के बाद, हाँ 9 दिन के बाद आप सभी का आंसर की आया हुआ था। तो आज 8 से 9 दिन हो चुका है, मे भी हो सकता है कि कल या परसों आ जाए, लेकिन ऐसा चांस नहीं लग रहा है, क्योंकि एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन फिलहाल आया है अभी जस्ट 22 तारीख को, और एसएससी एमटीएस को लेकर के साइट काफ़ी बिजी चल रहा है। अगर उस पर आंसर की आ जाती है तो फिर एसएससी का साइट में प्रॉब्लम हो सकता है अभी फिलहाल, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट फॉर्म स्टार्टिंग में ही फिलअप करते हैं। जो भी कैंडिडेट होते हैं एसएससी का फॉर्म स्टार्टिंग में फिल करते हैं, क्योंकि लास्ट में आकर के सर्वर इशू हो जाता है एसएससी का। तो 4-5 दिन तक तो आप सभी का, मुझे उम्मीद जैसे लग रहा है कि आप सभी का नोटिफिकेशन ही आएगा। 31 तारीख से लेकर के 1 से 2 तारीख के बीच में आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा। 30 से 31 लास्ट, मतलब कि बिल्कुल लास्ट छोड़ पे है, इस मंथ के लास्ट छोड़ पे आप सभी वेट करना कि लास्ट इंड में ही आप सभी का आंसर क्या आएगा। 31 तारीख तक, 30 तारीख तक वेट करना। अगर उसके बाद नहीं आता है तो समझ लेना कि 1, 2, 3, 4, 5 तक कभी भी जा सकता है नोटिफिक, लेकिन 5 तारीख से ज़्यादा डिले नहीं होगा। ये कन्फर्म है कि 5 अप्रैल से ज़्यादा डिले नहीं होगा, इसी बीच में आप सभी का आंसर किया जाएगा। रिजल्ट का बात करूँ तो ये मई के लास्ट वीक तक, जून के फर्स्ट वीक तक आप सभी का रिजल्ट आएगा। इसको लेकर के कन्फर्म रहना आप सभी, लास्ट वीक ऑफ मई फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आप सभी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों, फिलहाल ये अपडेट था आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये डाउट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, एक और बात आप सभी से बताना था मुझे कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब जो कर लिए हुए कैंडिडेट है वो मात्र 10% है, और अनसब्सक्राइब 90% कैंडिडेट मेरे वीडियो को देखते हैं, लाभ उठाते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो रिक्वेस्ट आप सभी से कि सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं हर एक गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होता है वो लाते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।